हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल नॉन स्टॉप लाव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ तो दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लाव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी लाने की तो दोस्तों आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मजा आराम से लें ले। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिलों को छू लेगी तो दोस्तों मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं जिन लोगों ने अपनी लव स्टोरीज भेजी है उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं और जो लोग अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज़ भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है दोस्तों इस कहानी का नाम है पागल तिल अब आप कहानी का मज़ा लें मेरा नाम है सोनू और मैं चौबीस साल का हूँ मेरी जो मम्मी है वो हाउस वाइफ़ हैं और जो मेरे पापा हैं वो एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन है और मेरे बड़े भैया का नाम है अरमान और जो दूसरे भैया हैं उनका नाम है आकाश और मैं सोनू आपको मैंने पहले ही बता दिया न... है ठीक है जो अरमान भैया ना वो वकालत के काम करते हैं मतलब ट्रेनिंग पर रहे हैं और जो आकाश भैया वो पापा के साथ बिज़नेस में हाथ बटाते हैं मेरे पापा एक बिज़नेस मैन है हम लोग पंजाब में सेटल हैं और मैं मेरे को स्टार्टिंग से ही था कि मैं पायलट ही बनूंगा अपने मम्मी पापा का मैं लाडला हूँ वैसे बता दूंगा आपको मैं लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जो बेस रखी है वो पायलट के उससे ही रखा कि मेरे को पायलट बनना है पायलट के लिए आ, मैथ और साइंस बहुत ज़रूरी है इसीलिए मैंने मैथ और साइंस सबसे आगे रखी और मैं इस दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा था जब स्टडी टाइम था अब तो खैर मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ तो मेरे को सिलेक्शन मिली है यहाँ पर राजस्थान एरिया में और मैं दोस्तों बता दूँ आपको मैं ट्रेनिंग के लिए इस समय मतलब जा रहा था तो राजस्थान में जब मैं गया तो वहाँ पर हॉस्टल जो था वो पूरा का पूरा फुल हो चुका था इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर कमरा ले लो कि आपकी भी ट्रेनिंग मतलब आपका भी नाम है तो आप प्लीज़ बाहर कमरा ले लो तो ज्वाइन कर लेना इतनी इतनी डेट से मैंने कहा ठीक है मैं अपने पापा के साथ ही था तो यहाँ पर तो खैर मुझे कोई जानता नहीं था लेकिन पापा ने कैसे भी मतलब लोगों से अच्छी तरह बात करके कैसे भी अब बिजनेसमैन के तो टैक्ट्स काफ़ी आते ही हैं तो उन्होंने मुझे यहाँ पर किराए का एक मकान मतलब कमरा दिला दिया नीचे वो लोग थे उनके एक बेटी थी बस और उन, मतलब मम्मी डैडी तो मेरे पापा के एज के थे मम्मी डैडी तो मतलब मेरी मम्मी डैडी की एज के थे और जो उनकी बेटी थी वो छब्बीस साल की थी तो मैं चौबीस साल का था तो वो लोग इतने अच्छे लोग थे ना कि मैं सुबह मेरे को भूखे जान नहीं देते थे उनकी बेटी कुछ ना कुछ लेके आ जाती थी कभी आलू वाले पराठे कभी वो दाल और मखनी दाल और पराठे कभी कुछ कभी कुछ मेरे साथ मतलब उन्होंने बिहेव बहुत ही अच्छा रखा तो एक ही एक उनकी लड़की थी तो मैं उनसे बातें ज़रूर करता था मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि अपनी फैमिली से जब मैं दूर हो गया ना मुझे अपने घर वालों की बड़ी याद आती थी तो उस टाइम तो मैं बता दूँ दोस्तों ये नाइनटीन का टाइम था जब जबकि मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे लैंड फोन्स होते थे उस टाइम तो मैं अपने घर में जब फ़ोन करना होता था, था तो यहाँ से ही फ़ोन कर लेता था, था लेकिन मैंने उनके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डाला मैं हमेशा सैटरडे को ही फ़ोन करता था धीरे धीरे ट्रेडिंग का भी आगे टाइम निकलता गया मेरी बहुत अच्छी तरह से, सेलेक्शन हो गई थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो फिर जो मेरी जो दोस्ती थी वो इनकी बेटी से बढ़ गई जो मेरे मालिक मिकान मकान थे उसका नाम लड़की का नाम किमी था छब्बीस साल की वो लड़की थी तो मेरी दोस्ती उससे बढ़ गई धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया क्योंकि वो हमेशा रोज़ सुबह खाना लाती तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जैसे वाइफ होती ना बाहर भेजने से पहले हमेशा अपने हस्बैंड को सुबह खाना देती मुझे तो वैसी फीलिंग आती थी और मैं छेड़छाड़ भी उससे करता रहता था तो मुझे तो हंड्रेड परसेंट पता था कि ये बहुत बड़े घर की लड़की है ये इसके माँ बाब से मैं जितनी मर्जी रिक्वेस्ट करूँ ये अपनी लड़की नहीं मुझे देंगे तो दूसरा मैं अपनी ट्रेनिंग से बंधा हुआ था कि मैं क्या करता फिर मेरे को ये था कि अब, अब मैं पायलट के लिए जब मैं चला मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होएगी तो फिर ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ऐसा ही होता है ना ये जो डिफेंस एरिया होते हैं ना जो डिफेंस वाले होते हैं वो एक बंदे को जाना नहीं देते इतनी जल्दी साइन होता है वहाँ पर इतने इतने साल का तो मुझे ये था कि मुझे इससे पहले इससे शादी करनी है इस मतलब वो लोग भी उसके पेरेंट्स ने भी लड़का एक देखा हुआ था तो वो तो हमेशा मुझे कहती थी कि हम लोग शादी कर लें शादी कर लें मैं थोड़ा डरता भी था इस बात से फिर लेकिन क्या हुआ एक दिन मैंने मन बना लिया मैंने कहा कि तेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो मानेंगे नहीं क्योंकि मैं हमेशा मतलब उनसे किम के बारे में बात करता तो अंकल थोड़ा चिढ़ जाते कि ये किम किम करता रहता मैंने फिर बात करनी नहीं पसंद की मैंने कहा इसको लेके मैं भाग जाता हूँ यार कुछ तो हिम्मत होनी चाहिए ना आदमी में तो हिम्मत दिखाने का टाइम था अभी फिर <laughs> मैंने अपनी मम्मी से बात करी फिर फ़ोन पे मैंने कहा मम्मा मेरे को कि इनकी लड़की पसंद है बस मेरे से ना थोड़ी सी बड़ी मैं ट्वेंटी चौबीस साल का हूँ वो छब्बीस साल की है मेरी मम्मी ने मुझे बड़ा समझाया कहते इतने बड़े घर की लड़की है इतने नखरे तुझे दिखाएगी ना तेरे को नानी याद आ जाएगी ओ मम्मी मैंने कहा बाद नखरे बाद की बात है मम्मा मैं इसको ठीक कर दूंगा बाद में बड़ा उन्होंने मुझे समझाया बेटा ये लोहे के चने चबवाएगी लड़की तू मान जा लेकिन ना अब तो मैंने सुनना था और ना ही मैंने मानना था क्योंकि इस एज में बंदा किसी की नहीं सुनता मुझे तो बस किम का प्यार के भूत चढ़ा हुआ था कि मुझे उसी से शादी करनी है और फिर एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया नाइट में हम लोग भाग गए घर से उसके घर से निकल गए हम लोग मैंने सीधा ट्रेन पकड़ी उसको लेके अब कहीं और का तो कुछ पता नहीं था आ, हमने मतलब पूछा उन लोग उसने जहाँ से हम टिकट लेते हैं कहती कहाँ का मैं मेरे मुँह से शिमला निकल गया पैसे तो हमारे पास थे तो मेरे मुँह से शिमला निकल गया उसने मेरी तर, तरफ मेरी तरफ देखा तो लेकिन हम लोगों ने कर लिया शिमला का टिकट दो ले लिए अब हम लोग जैसे चढ़ गए हम लोग ट्रेन में भी तो हमें यह भी था कि कहीं कोई पीछे से आके पकड़ ना ले डरते डरते हम लोग ट्रेन में हम लोग जाके बैठ गए तो उसने मैंने कहा मुँह ढक ले तो उसने मुँह वगैरह ढक लिया हाथ भी ढक लिए वो होता है ना चूड़े से पता चल जाता है जो लड़कियां पहनती हाथ में कि मैरिड है या नहीं उसने हाथ वगैरह ढक लिए वैसे भी उस टाइम ना दिसंबर का टाइम था ठंड थी तो वैसे कपड़े कपड़े तो अच्छे खासे हमने पहने हुए थे लेकिन मैंने इसको स्पेशल बोला मेरे हाथ ना निकालना बाहर तो उसने हाथ नहीं निकाला तो शिमला में जब हम पहुँचे तो ठंड बड़ी थी तो हम लोगों ने सबसे पहले गर्म गर्म चाय पी एक जगह जाके तो फिर हमें बातों बातों में एक मैंने मतलब चाय की दुकान पे एक लड़का मेरे को मिल गया मेरी उम्र का था तो राजकुमार था उसका नाम मैंने उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की तो उसने मुझे पूछा इशारे इशारे में कहता भाग क्या आयो अब मेरा रंगूड़े मैं क्या हाँ बोलूँगी ना बोलूँ मुझे पता नहीं चल रहा था कहता ये मैंने उसको बोला यार राजकुमार मुझको ना एक नौकरी चाहिए वो कहता दिला देता हूँ तो मैंने कहा तूने शादी की हुई है वो कहता हाँ हाँ कहता तेरे जैसे ये चक्कर मैं भी भगा के लाया <laughs> तो मेरी हंसी निकल गई फिर उसने अपनी वाइफ से मिलवाया उसका वाइफ का नाम सामली था तो की और सामली की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई तो मैं अब राजकुमार ने मुझे अपनी ही फैक्ट्री में लगा लिया तो वो शिमला से थोड़ी बाहर की साइड में थी ट्रेन में जाना पड़ता था तो फिर मैंने जो मेरी वाइफ थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी मैंने आपको बताया नहीं शायद उस टाइम में उसने टीचिंग की करा कोर्स किया हुआ था उसने तो फिर वो भी सामली के साथ जाती तो हम लोग जो आउट ऑफ टाउन जाते थे ट्रेन में जाते थे हम लोग शिमला से थोड़ा बाहर करके तो वो टीचिंग दोनों टीचिंग करते एक प्राइवेट स्कूल में तो हम दोनों फैक्ट्री में काम करते आते वक्त हम लोग इकट्ठे ही आते किराए का मकान तो उसने अच्छा एक खासा है। उसने कमरा एक दिला दिया था उसके घर के ही पास था मेरी उसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई मैं और राजकुमार को सिगरेट पीने का बड़ा शौक था तो होता है ना उस टाइम में जो एटीज़ के टाइम थे ना उस टाइम आदमी लोग बहुत सिगरेट पीते थे खैर अभी तो औरतें पीती हैं <laughs> तो फिर मैं और राजकुमार हम लोग शाम को जो मतलब थोड़ा स्मोक करते तो फिर वो अपने घर चला जाता फैमिली को अपनी वाइफ को लेके तो लेकिन जो मैं था वो मैं अपनी किम को लेके मतलब हम लोगों ने वहाँ पर शादी भी कर ली थी एक मंदिर में तो किम को लेके मैं रोज़ शाम को वॉकिंग करता था किम की आदतें इतनी अच्छी थी ना मैं आपको क्या बताऊँ उसने मुझको कभी तू करके बात नहीं करी तो शाम की सैर के बाद में हम लोग घर आते फिर फिर घर में मतलब खाना पीना अपना करते हाथ कभी सेकते कभी अंगीठी जला लेते बड़ा ही अच्छा टाइम गया वो बहुत ही अच्छा शिमला में तो हमारा सबसे अच्छा टाइम गया और ये जो किम थी उसको फ़ैशन करने का बड़ा शौक था उस टाइम में तो उसने मुझे क्या ना मेरे को ऐसी साड़ी चाहिए जैसे हेमा ने पहनी थी उस पिक्चर में ओह मेरी कोशिश होती थी यार वो हेमा वाली साड़ी लूँ जॉर्जेट की साड़ियाँ उस टाइम बड़ी चली हुई थी फिर जो सामली थी वो भी ऐसी ही थी बहुत मेकअप ये दोनों इतना फैशन करते थे ना दोनों ने जूठ हम लोग नहीं लगाते थे अभी अनक जो होती ना गॉगल्स ब्लैक वाली वो लगाते थे दोनों अभी मैं और राजकुमार नहीं लगाते थे लेकिन चलो यार जैसा भी टाइम था लेकिन बड़ा अच्छा टाइम था तो हम लोग काफ़ी देर तक दस साल तक हम लोग वहाँ पर ही रहे तो बीच बीच में मैं अपनी माँ को फ़ोन भी करता था तो माँ से सारा हाल पूछ लेता था कभी पैसों की जरूरत पड़ जाती थी तभी मैं माँ से मंगवा लेता था तो इस तरीके से हम लोगों का बड़ा अच्छा वहाँ पर टाइम बीता दस साल बाद जब मेरे पापा बहुत बीमार हुए तो मैं वापस आया घर पंजाब में मैंने आपको पहले भी बताया था ना हम लोग पंजाब में रहते थे उस टाइम जब हम लोग पंजाब में आए तो मेरे मम्मी डैडी ने फिर असली शादी बड़ी वाली करी हम दोनों के अरे तब तक हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था दस साल हो गए थे फिर मेरी मम्मी ने ही किम के घर में फ़ोन करा कहते इन दोनों ने शादी कर ली है तो वो कहते हम लोग इतने परेशान थे ना वो किम जो थी वो राजस्थान की थी मैंने आपको बताया ना तो फिर कहते हम लोगों ने कितना फ़ोटो निकाला राजस्थान के न्यूज़पेपर में पर ये लड़की कहीं नहीं मिली तो लेकिन फिर उसके बाद में सब मान गए किम के घर वाले भी मान गए उनको मानना ही था तो मैंने आपको बताना कि मैं अपने घर में एक ही एक बच्चा था मतलब उनका एक ही लड़की थी और कोई नहीं था उसका बहन भाई उसके बाद में किम का पंजाब में जब आई तो मम्मी ने इसको कहा कि हम अपनी बहू से नौकरी नहीं करवाएंगे ठीक है भाई ना नौकरी करवाओ मैंने भी कहा कोई बात नहीं मत करवाओ नौकरी मेरे को भी नहीं पड़ी थी इतनी नौकरी की तो यहाँ पर आके जो मैंने भी मतलब पैसे वगैरह तो थे मेरे पास तो मैंने एक बिजनेस में हाथ डाला तो अच्छा काम मेरा चल पड़ा भगवान की दया से तो जो किम थी उसके जो अपने शौक थे ना वो ये थे मेरे को मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा मेरे को दिलचस्पी थी ना इस लड़की में उसके अपने शौक़ ऐसे अलग अलग थे ना वो जो अनाथ बच्चे होते हैं ना पता नहीं इसको कहाँ से मिल जाते थे ये उनको ढूंढती थी और अपने घर में ला के उनको पढ़ाती थी स्टडी करवाती थी और क्या है कि मतलब कईयों की एडमिशन स्कूल में करा देनी इसके लड़की बड़ी अच्छी लड़की थी तो, तो मेरी मम्मी ने इसको कभी कुछ नहीं बोला जो मेरी मम्मी ने फ़ोन पे इतना बोलती थी ना कि पढ़ी लिखी लड़की है लोहे के चने चबवाएगी ऐसा कुछ भी नहीं था किम में किम ने इतनी मेरी बात माननी ना जब मैंने आना किम ने उसी टाइम किचन में घुस जाना और क्या है किचन में घुसने गुछन, से पहले मैं आपको बताऊं जब मैंने अपने काम से घर आना मैंने आपको बताया ना मैं बिजनेस करता था इसने उसी टाइम लिपस्टिक लगानी उससे पहले नहीं लगाती थी मैं इसको देखता था यार ये क्या कर रही है तो इसने बैठे बैठे मेरे से बातें करते करते बाल झाड़ लेने अपने बाल बना लेने पूरा बिंदी बुंदी जो फेस का मेकअप है ना इसने नहा तो पहले लेती थी सुबह सुबह लेकिन जो फेस का मेकअप है ना वो इसने मेरे सामने ही करना अरे यार मैं इतना मम्मी कहते थे देख तेरे बिना ये मेकअप भी नहीं करती तो आगे से जवाब देती थी कहती अगर ये नहीं है तो फिर मेरा मेक नहीं है मतलब गए हुए हैं तो मैं किस लिए सजूँ अरे मैं कहता था कम से कम लोगों को दिखाने के लिए तो सजा करना कि हाँ मैं हूँ अब तो बस ये हंस पड़ती थी तो इसने मतलब बच्चों को कहीं ना कहीं से इसने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे किया कोई ना कोई और बच्चे इसने पकड़ लेने उनको मतलब पढ़ाना घर में मेरे को मैं जब भी इसके शौक़ देखता था ना दिल से इसकी रिस्पेक्ट करने का मन करता था इसने मेरी मम्मी डैडी का इतना ध्यान रखा इतना ज़्यादा इसने मेरी मम्मी जब तक थी ना तो किम ही थी जिसने सेवा करी और मेरे पापा की भी इसने कभी ये नहीं बोला कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है मेरा हिस्सा ये सब मेरा नहीं इसने मेरी झोली में ही सब कुछ डाला इतनी अच्छी लड़की मैं कहती हूँ अगर मैं मैं कहता हूँ अगर मैं ढूंढने पर भी निकलता ना मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलती ये तो भगवान की दया से पता नहीं मेरे को कैसे मिल गई ये इसने कभी नहीं जताया कि हाँ ये सब मेरा है अगर मैंने इससे कहना ना कहना यार वो तेरा घर वहाँ पर है ये मुझे यही कहती थी वो मेरा नहीं आपका है मैं इसकी सभी बातों पे ज़िंदगी भर हैरान होता रहा फिर हमारे को पंद्रह साल बाद एक हमारी बेटी हुई तो इसने बेटी को पढ़ाई हम दोनों ने बहुत ही प्यार से हमने उसको पाला उसको जो वॉकिंग थी वो मैंने सिखाई मैं इसको कभी डांटने नहीं देता था बच्चों को लेकिन ये टीचर थी ना तो मुझे पता क्या बोलती थी बच्चों को डांटना चाहिए नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं ओ मैंने कहा हमारा बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा मैंने कहा तेरे पे जाएगा ना तो कितनी अच्छी है ये बिल्कुल तेरे पे जाएगी इसके अंदर भी इतनी अच्छाइयाँ होंगी तो हम लोगों ने अपने बच्चे को बहुत प्यार से पाला मैंने मेरी शायद गलती थी मैं कभी उसको डांटने भी नहीं देता था मेरे बच्चे को नहीं डांटना मैं गोद में ले लेके जब तक बारह साल की थी तभी भी मैं उसको गोद में अपने लेके घूमता था तो बस फिर बच्चा हो गया हमारा बड़ा उसकी हमने करी शादी दोनों ने मिलके की हमने शादी वो भी बहुत जैसे हम दोनों ज़िद्दी वो भी बहुत ज़िद्दी थी अपनी माँ पे नहीं गई थी मेरे पे ही गई थी वो उसकी शादी के बाद उसके दो बच्चे हो गए एक लड़की थी बड़ी वाली उसका नाम श्यामी रखा किम नहीं रखा था उसका नाम तो फिर एक छोटा बेटा हुआ तीन साल के बाद में उसका नाम सोनू रखा बस ऐसे हमारी लाइफ बड़ी प्यारी सी निकली हम लोगों ने भाग के शादी कराई थी लेकिन हमारे माँ बाप दोनों मान गए थे फिर किम के मम्मी डैडी की की भी डेथ हो गई फिर मेरे मम्मी डैडी की भी डेथ हो गई बस ऐसे ही सारा टाइम बड़ा प्यारा सा निकल ही गया कैसे भी मतलब निकल टाइम तो हमेशा ही निकलता है हंस खेल के अगर निकल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है फिर एक बार जो किम थी उसको एक अटैक पड़ा हार्ट अटैक उसके बाद में मतलब हम तो उसको सीधा हॉस्पिटल लेके चले गए जैसे भी हो जल्दी जल्दी हमने एम्बुलेंस बुलाई फटाफट हमने सब कुछ किया हॉस्पिटल लेके चले गए हम लोग उसको हॉस्पिटल में फिर अटैक के बाद में वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी फिर वो बेड रिटन पेशेंट बन गई जिसको मतलब हमेशा ही केयर की ज़रूरत होती है ना वो वाला पेशेंट बन गई तो उसकी दोस्ती बहुत थी इधर उधर लोगों से अच्छी अच्छी लड़कियों से तो आती थी उनको मिलने मतलब तब तो हम दोनों ही बूढ़े हो गए थे लेकिन उसकी फ्रेंड्स बहुत थी आती थी उसको मिलने इवन मेरे रिश्तेदार सभी जो इस टाइम मेरा जो भाई था वो एक जज बन चुका था बड़ा वाला अरमान आकाश अपना मेरे पापा का ही बिज़नेस संभाल रहा था और वैसे मैं पायलट तो बन नहीं पाया खैर लेकिन मैं भी अपना बिजनेस में काफ़ी आगे निकल गया था तो बस फिर वो बिस्तर पर ही रही लेकिन मैं हमेशा मतलब जब भी आता काम से तो वो बैठने की कोशिश करती क्योंकि वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती थी तो जो हमारे जो नर्स लगी हुई थी उसको कहती बेटी को बुलाओ बेटी आ जाती थी ना वो बेटी पास में ही रहती थी तो फिर बेटी को कहती थी चल पापा आए खाना बना वो फटाफट खाना बनाती थी मेरे लिए वह कहता था अरे रहने दो हम बाहर से मतलब मंगवा लेते हैं लेकिन मेरी बात कहाँ कभी किम ने सुनी बस ऐसे ही टाइम निकला फिर धीरे धीरे इतनी ज़्यादा वीक हो गई उसकी डेथ हो गई जब उसकी डेथ हुई तो मैं बिल्कुल ही टूट गया मैंने कभी नहीं सोचा था ये कभी औरत मुझे छोड़ के जाएगी मेरे साथ इतनी उसने वफ़ादारी की 9 टू एटीन में उसकी डेथ हुई बेहद अच्छी औरत थी बहुत अच्छी औरत थी उसने ज़िंदगी में कभी किसी आदमी को नज़र उठा के नहीं देखा मेरे अलावा दूसरी उसकी बात थी उसने उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी उसने कभी ये नहीं कहा कि हाँ ये मेरी है उसने सीधा मेरी झोली में सब कुछ उसने मेरे को इवन मैंने अपनी बेटी पे भी यह था मेरी बेटी वो कहती थी हाँ आप ही की बेटी है मतलब उसने हर एक चीज़ मेरी झोली में डालती गई डालती गई डालती गई ये नहीं कि सेक्रीफाइस था या क्या था बस उसको मेरी इज्जत बहुत थी बहुत इज्जत करती थी मेरी और जब वो चली गई उस रात मुझे इतनी इतना दुख हुआ इतना मैं रोया इतना ज़्यादा क्योंकि मेरे को ये था कि यह मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी लेकिन वो चली गई बेटी तो खैर बेटी ने जो भी संस्कार हमारे थे वो करवा के वो अपने घर चलेगी फिर इतने बड़े घर में मैं अकेला ही रह गया बस अभी भी मैं उसको बस याद ही करता हूँ मैं इतनी उसने मेरे पास अपनी यादें छोड़ी हैं ना इतनी ज़्यादा उसका मेकअप का शौक़ उसका अनाथ बच्चों को पढ़ाना और घर से जब भी निकलना मेरे साथ ही निकलना बड़ा अच्छा था सब कुछ बस वो चली गई और मुझे इसका दुख है चलो दोस्तों आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी अगर स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ और आपकी सराउंडिंग्स जो है वो हमेशा प्यार से भरी रहे आपके लव हमेशा आपके साथ रहें और आप लोगों को ज़िंदगी में सब कुछ मिले धन्यवाद